नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और स्वागत है आपका सिम टॉक्स पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जो स्पेस सेविंग भी है और कन्वीनियंट भी है। आपका कोई भी सामान वेस्ट नहीं होगा, सीलेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया है। ये ऐसी इस तरह की डब्बियाँ हैं कि आप इनको जो है फोल्ड करके रख सकते हैं। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिए हैं और इसके अंदर ये जिप लॉक है, आराम से एयर टाइट हो जाती हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही शानदार। इनका यूज़ भी जो है मल्टी यूज़ है, आप इसके अंदर वेजिटेबल्स रख सकते हैं, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, पिस्ते, काजू, बादाम, जो भी आप दालें रखना चाहें, दालें, राइस, हर मतलब हर चीज़ का सॉल्यूशन है ये। तो हमारे घर में कंटेनर्स तो होते ही हैं, हम उनमें लगातार अपना सामान रखते हैं। तो ये तीन कंटेनर हैं, हमें तीन साइज़ में मिले हैं। तो एक ये देखिए सबसे छोटे वाला साइज़ है, तो ये है 300 ml का साइज़ है ये, और ये मुझे मिले हैं 10 pieces इसमें, तो ये 10 पीस मिले हैं मुझे, ठीक है। तो 300 ml है ये, और ये जो है ये 500 ml है, और ये भी 10 pieces हैं, जैसे कि मैंने आपको काउंट करके दिखाया, ये भी 10 पीस हैं। तो ये 500 ml के हैं और ये है 1000 ml, मतलब 1 liter का ये है। तो ये भी हमें 10 pieces मिले हैं। तो एक्स्ट्रा में रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप फ्रिज में इसको रख दीजिए, और फ्रिज के अंदर कोई सामान ऐसा है आपका जो आप रखना चाहते हैं तो इसके अंदर आराम से पैक करके आप रख सकते हैं। जैसे रेडी टू फूड मंगाते हैं आप, या कोई सैलेड बच गई तो ये सब चीज़ें आप इसके अंदर रख सकते हैं आसानी से। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, अभी तक तो ये ख़राब हुए नहीं हैं। बस इनकी क्लीनिंग ज़रूरी है कि जब आप इनको क्लीन करें तो अच्छे से क्लीन करें, और जब रखें तो इतना अच्छे से जिप लॉक लगा के रखें, आपका कोई भी सामान जो है गिरेगा नहीं इसके अंदर से, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। देखिए जैसे कि मैं अब इसको अंदर आपको ना पिस्ते डालकर दिखा रही हूँ, तो ये मैंने पिस्ते डाल दिए, लेकिन थोड़ी चीज़ों के लिए, थोड़ी चीज़ है तो ये मैंने थोड़ा इसके अंदर डाल दिया। जैसे मुझे ट्रैवलिंग में जाना है अभी बाहर, तो मैं अपने पिस्ते इसके अंदर डालकर रख के लेके जाऊँगी। एक डब्बी रखनी प्लास्टिक की या कांच की, तो वो काफ़ी स्पेस ले लेगी बाद में, और ये ख़त्म होने के बाद में आप इसको एज इट इज़ रखेंगे, आपका स्पेस भी सेफ रहेगा। तो ये इसमें से बिल्कुल भी जो है नहीं गिरता है कोई भी पिस्ता, और एयर टाइट रहता, सीलता भी नहीं है। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ 500 ml वाला पाउच कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसके अंदर मैं आपको कुछ और जो है डालकर दिखा देती हूँ। ये मैंने इसके अंदर भुने हुए चने डाले हैं, तो ये भी मैं लेकर ही जाऊँगी। तो ये देखिए, ये भी इसके अंदर अच्छे से जो है बिल्कुल फिक्स करना है, थोड़ा सा नीचे से प्रेशर लगाना है इसमें और ये फिक्स हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और ये हमने इसको क्या किया, नीचे से ना खोल दिया है इसको, हम स्टैंडिंग रखेंगे खड़ा करके। अभी मैंने जो फ्लैटी उसको लिटा कर रखा है, फ्लैट कर दिया, अभी हम इसको खड़ा करके रखेंगे। तो इसके लिए हमें ना पुश कर करके ना चीज़ को, थोड़े से सामान को ना नीचे की साइड लेके आना पड़ेगा, जैसे कि नीचे ना बेस बन जाए। अगर आपको इसको अपनी शेल्फ पर रखना है तो इसको खड़े करके रखना, तो एक बार इसका बेस बन जाएगा ना, फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको हर बार बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बार तो बेस बनाना ही पड़ेगा। जैसे कि ये पिस्ते का है, तो पिस्ते वाले का भी मैंने बेस नहीं बनाया था, ये मैंने जो है चने वाले का बेस बना दिया, और ये आराम से खड़ा हुआ है। यकीन मानिए, ये मतलब बहुत ही बढ़िया चीज़ निकाली है, जो भी सोचकर कंपनी ने निकाली है। प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और देखने में भी कलर भी बड़े प्यारे हैं, ऐसे नहीं लगते कि जैसे कि प्लास्टिक की पॉलीथीन का एक अलग सा ही फील आता है, कि पॉलीथीन के अंदर कोई भी सामान डाल के रखो, तो ये रखे हुए भी बड़े प्यारे लगते हैं, फ्रिज के अंदर भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जो है 1 liter वाला है, 1 kilo वाला। तो मैं इसके अंदर आपको जो है दाल डालकर दिखाती हूँ। तो ये वाली दाल मैंने आपको डालकर दिखा रही हूँ। इसके लिए भी मैं बेस बनाने की कोशिश कर रही हूँ नीचे, जिससे कि ये फ्लैट हो जाए और ये आराम से रखा रहे। तो ये देखिए इस तरह से, हालांकि हमारे पास घर में कंटेनर होते हैं मैं जानती हूँ, और हम किचन में अपने कंटेनर्स ही यूज़ करना पसंद करते हैं,
फिर भी मैं बता रही हूँ कि इसका जो यूज़ है आप किस किस तरह से कर सकते हैं। इसको फ्रिज में भी रखा जा सकता है, खड़ा करके आप फ्रिज में भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और शेल्फ पे भी रख सकते हैं। और ये देखिए, ये जो छोटे वाले ना, छुटकू वाले, इनके अंदर भी पीछे स्पेस है स्टैंडिंग करने का, बस इसको थोड़ा सा ऐसे हाथ से प्रेस कीजिए और वो निकल के आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से इनके जो है फर खुल जाते हैं, विंग्स खुल जाते हैं और ये स्टैंडिंग हो जाते हैं। मैं इसके अंदर पिछते नीचे की साइड लेकर आऊँगी प्रेस करके, और ये भी देखिए हमारा स्टैंडिंग हो गया और ये भी हमारा खड़ा हो गया है, आराम से स्टैंड हो जाते हैं। आपका आप जिस तरह से आपको कन्वीनियन हो आप उसी तरह से इसको रखना पसंद करते हैं, उसी तरह से रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना पसंद करेंगे। देखिए, मैंने अच्छे से आपको बिल्कुल हिला हिला कर ये डब्बे दिखा दिए हैं। सॉरी, इसका जो है ना ठीक से मेरे से जिप जो है लॉक नहीं हुआ था। मैं आप ही के सामने इसको दोबारा लॉक करके और दोबारा जो है ज़्यादा इसमें कारस्तानी ना करते हुए शराफत से ही रख देना बेहतर समझूंगी। नहीं निकल रही है ये दाल, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मैं नहीं लगा रही हूँ, डर के मारे कभी दाल गिर जाए मेरी। तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आए। आपको जैसे भी लगे आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। अब दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।